बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर नंबर 18 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले आपने 9.1 को कंप्लीट किया था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.2। 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय पुटिंग n = 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दी गई है, उसके अंदर आपको टू वेरिएबल्स नजर आएंगे, एक होगा m और एक होगा n। n की वैल्यूज आपको दी हुई है = 2 जो हम इसके अंदर पुट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है m, उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2m माइनस n = 12। अब इसके अंदर एक वेरिएबल ये है m और दूसरा है n, और n की जो है हमें वैल्यूज दी हुई है, क्या है हमारे पास 2। तो अब हम पुट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करना है, 2m माइनस n = 12, पुट n = 2, यानी कि n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी है। इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है हमारे सामने, 2m माइनस, ये माइनस का साइन है, और n की वैल्यू जो 2 हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, = 12। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आप इसके अंदर एक वेरिएबल बच गया आपके पास, 2m माइनस 2 12। अब जो माइनस इस साइड पर आ रहा है कांस्टेंट, वो जो दूसरे नंबर पे दूसरी साइड पर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। ठीक है, उसके बाद 2m = 12 + 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड में जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 2 इस साइड का डिवाइड हो जाएगा, 2 7 = 14 हो जाएगा, और m जो है इसकी हमने वैल्यूज फाइंड कर दी, हो गया आ जाएगी 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, m और n = 9/2। अब हमने n की वैल्यूज को पुट करना है, n हमारे पास क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या है, 2 है, ये पुट कर देंगे, m / 2 ये पुट हो गया आपके सामने, ठीक है, = 9/2, m / 2 = 9/2, ये अब डिवाइड हो रहा है। यहां पे जो 2 था वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, जो कि है 2, वो जो पुट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट किया, 2m n = 9 - 3m, पुट n = 2, यानी कि n की वैल्यू पुट कर दी है, तो 2m और ये आपने 2 की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह पे 2 आ जाएगा, = 9 - 3m, इस साइड में 2 के साथ ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस 2 को, तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा m = 9 - 3m, इस साइड पे वेरिएबल है, इस साइड पे वेरिएबल है -3m, जब इस साइड पे आ जाएगा क्या हो जाएगा, +3m, दोनों ये प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4m, 9 वैसे का वैसे रह गया। अब ये जो 4m है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जा रहा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हम नहीं कट सकते, तो m = 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 है, m = 2n + n + 1। अब यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज है, m n दिया हुआ है, यहां पे वेरिएबल m जिसको हमें फाइंड करना है, वैसे का वैसे रहेगा इस साइड पे। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने क्या करना है, रिपीट करना है, उसके बाद 2m = 2, ठीक है, जहां पे n नजर आएगा आपको वहां पे आपने वैल्यूज 2 को पुट कर देना है, जो इसकी वैल्यूज गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, तो 2 2, ठीक है, और यहां पे n आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 2 + 1, 2 2 = 4 + 2 + 1, 4 2 6 और 1 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 2m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 थी, तो बाहर वाला जो 2 है उस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पार्ट 6, m + n = m हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, m + n = m हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद पुट n = 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, m वैसे का वैसे आ गया, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, m वैसे का वैसे आ गया, और इसे 2 की वैल्यू एंड पुट करेंगे, इस साइड पे जो है 2m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2m हो जाएगा, m + 2 = 2m, ठीक है। अब ये वेरिएबल है हमारे सामने, और ये वेरिएबल
ऐसे लिखने बात देखती है, ठीक हो गया। अब आपका होमवर्क क्या होगा इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है आपका होमवर्क है। 9.2 हमने स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था, बहुत सिंपल था कि हमें टू वेरिएबल्स दिए गए थे, एक m और एक n, और एक वेरिएबल n की वैल्यूज हमें गिवन है, और उसके बाद सेकंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा बता